करगिल जिले के ट्रिस्पो गांव में मौजूद हेल्थ मरकज में जदीद और कीमती आलात मौजूद, स्टाफ की कमी की वजह से पड़े हैं बेकार, लोगों को मुश्किलात का सामना, मसले को जल्द हल करने की अपील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करगिल जिले का ट्रिस्पो गांव में 1979 इसी में एक डिस्पेंसरी कायम की गई थी, वो आज एनटीपीसी है। यहां मुख्तलिफ फैसिलिटीज मौजूद हैं मगर स्टाफ न होने की वजह से लाखों रुपए के आलात धूल चाट रहे हैं। यहां सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। करगिल में इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, 4 सीईसी, 2 पीएचसी और 14 एलोपैथिक सेंटर्स हैं जो एनटीपीसी के तौर जाने जाते हैं। ले में तमाम एलोपैथिक एनटीपीसी को पीएचसी में कन्वर्ट किया गया है लेकिन करगिल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। करगिल का सबसे पुराना सब सेंटर जो बाद में एनटीपीसी बना अभी भी उसी हालत में है। यूएटिंग की टीम ने जब ट्रिस्पो एनटीपीसी का जायजा लिया तो पाया गया कि यहां मॉडर्न आलात मौजूद हैं मगर इन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। इस अस्पताल की जाने बड़ी संख्या में मरीज रुख करते हैं, लोगों ने भी इस मसले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। पहला तो यंता मेरा पल्ला हमारा शुक्रिया एला थी कहीं थी यंता भी मैं तालु बस थी मचीनी का स्टाफ मैं कम जो डॉक्टर को मैं चिकित्सक मैंने योग में बाकी स्टाफ छा रही है फिर मैंने अंदर वाला जुड़े नहीं सुन मचीनी का स्टाफ उठा था मैं बाकी हस्पेंशन था सुन लो बाकी जो सरपा मसपा सागस तक जीसी सागर लो सागर नहीं लो मगर चंद एक्शन चीज मैं लिहाजा कि अस्पताल पे इंजो डिस्पेंसरी आगर रूम से जमानिया डिस्पेंसरी आगर रूम से जमानिया था सर दो जमाना ना था सर मौजूद ना दा सब को देख दूला ना आगे ना सुन ना थोड़ी ना सुन ना या तकलीफ ना सुन या सिता भी बहुत कमी हो बेचारे के डॉक्टर साहब बहुत को हमेशा से गया मैं नची देखा सबसे ज्यादा पेशेंट पूरी कर रहा हूँ 4000 दादा अपने मानो एक मीमा मीमा 3-4 सऊदी का पेशेंट है सबसे नती त्याजी वाला जुड़ेगा टाम भी इसका नोर थले स्कूट भवन मंगलपुर तमाम हमारा जी अस्पताल के होते हैं जी का मिनी 400 अटेंडेंट दिखा ना यारे डॉक्टर लेटी जुड़ी का 400 अटेंडेंट दिखा निश्चित जुआ यहाँ जाती फिर इस नची भी काम ना कम से कम सिटाप चीज अस्पताल पर बाद ही बसे नून सब चोर बहुत घर में नहीं या बाकी भी का सिटाप हम कम जो परेशानी बहुत ये जुआ अस्पताल या तकरीबन इसका एस्टेब्लिशमेंट होकर 65 साल के करीब हो गया है सर। ये अस्पताल जो है जिला कारगिल से पहला एमएलए जो है हमारे छुस्कुर का आगा इब्राहिम शाह साहब जो यहाँ से एमएलए बन कर गया था उस टाइम में ये अस्पताल आया था सर और उस वक्त से ये अस्पताल जो है सर एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो सब 70 साल पहले था आज भी वही है सर और उस बावजूद यहाँ पे कोई भी ना स्टाफ का इजाफा हुआ है ना कुछ और चीज़ का इजाफा हुआ है सर और इन मसाइल को हम लेकर जो है डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया था सर, हम सीधो साहब से भी मिला था सर कुछ हफ्ता 10 दिन पहले की बात है लेकिन अभी तक कोई उनसे कोई हमें नतीजा नहीं निकला। यहाँ अच्छी दी अस्पताल पे हम लोग सामान नहीं तंग आमात हूँ यहाँ हजर भर को समेत दिन हम यहाँ डॉक्टर कमी दो जो नचा दिन लोग डॉक्टर शीतों जरे दारे डॉक्टर चिकित्सी भुगतान से पेशेंट यहाँ नजर खान पगामा पता वास दारे नरेंग अच्छा दी हम लोग डॉक्टर कमी है जो दी अस्पताल को एन टी पी एस टी सोस इंडिया एन सी पी सी सोस ना मगर दी हम लोग यह दरंग अच्छा दी अपडेट पंग अच्छा सा है ना पूरा अच्छा बेंच यो दुम अच्छा यो अच्छा दी अस्पताल पे हम लोग डॉक्टर ले बर गो जो दू ची टिस्पोंस जने दे टी जी बोला ये पुराना इन अच्छे दी अस्पताल पो दू ची छह मिले दरंग दी अस्पताल पंग अच्छा माना गोयार ले मायों मां दी हम लोग डॉक्टर हम इतपा दी हम लोग चांस से गया लोग खून एक्सीडेंट ना दिया था गामिंग अच्छा दिया हम लोग डॉक्टर गोशा तो जोंग अच्छा दिया इतना प्रोग्राम डॉक्टर इसे हम लोग जब से नज जरें जूनी नज सब से नज एमपी साहेब है शुक्रिया जरे जोंग अच्छी दी हम लोग डॉक्टर ना अच्छी दिया दिया हम गामा तंग मरगोसोक अच्छा उस वक्त जहाँ सिमी लगा छाना सिमो साहेब इज्जत दिया हम लोग डॉक्टर इचां दी चलो पोषित खिंता फिलहाल पो डॉक्टर फातिमा हत्या न जक्षिक तांग अजस्दू ने यहाँ भूमि चिचितांग अजस्पिन
देखेंगे अच्छा डी सी दर्शो जो डी सी दर्शन डी सी गंगमा अच्छा हलचल गंगमा जैस जर बने डी सी से हम बारे सिमो साहेब पयोचिन खोन एम्बो मीटिंग बसना अच्छा दियानो खिंता स्वरा तहाँ देखेंगे तिलते जैसबिन हफ्ते सो जो मैंने चाह पाते मसो देखे ना अच्छा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तहाँ मैं जरूरी सो दी फिर अच्छा दी हम यो से इन सबसे अच्छा यूटी जरे जो यूटी तरफ ना अच्छी दी अस्पताल पुला दूर से पब्लिक ये पे जगह निका डॉक्टर कमी या दी मशीन ना अल्ट्रासाउंड ना एक्सरा ना या दून हम चांद से कमी एक खंड पगामा डॉक्टर जरे जो दून गामा अच्छा दी कठोर थो बरगोसुक यह हॉस्पिटल बहुत पुराना एडी है उस टाइम का 1980 के दिहाई तक का तब भी यहाँ पे एक डॉक्टर्स की यहाँ पे अपॉइंट हुआ करता था तो तब से लेके पॉपुलेशन आज तक कई गुना बढ़ा है और आप लोगों को बखूबी वाकई है कि यह हॉस्पिटल एक ऐसी जगह वाकई है जहाँ की पॉपुलेशन 10-15 हज़ार से ज़्यादा है TSG ब्लॉक चूँकि मेडिकल में ये अलग से ब्लॉक नहीं है सांखू के अंडर ही आता है BMO सांखू के अंडर लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से इस हॉस्पिटल पर बहुत लोड है पेशेंट के लिहाज से तो डेली यहाँ पे और सीजन में भी अभी बर्फबारी हो रही है अभी भी हम देख रहे हैं कि इस मौसम में -20-30 डिग्री के इस टेम्परेचर में और इस बर्फबारी के टाइम में भी यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने देखा कि पेशेंट्स का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है और हमने कोशिश करके बहुत कुछ यहाँ पे हमने इंस्टॉल किए हुए हैं एक्सरे है अल्ट्रासाउंड है हमारे पास फुल फ्लेज्ड हमारे पास यहाँ एक डिलीवरी रूम है हमारे पास लेबर रूम लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सरे है टेक्नीशियन नहीं है अच्छा ECG मशीन है उसको चलाने के लिए कोई नहीं है अल्ट्रासाउंड मशीन है उसको चलाने वाला नहीं है अच्छा हमारे पास लेबर रूम है उसमें कोई सीनियर नर्स नहीं है अच्छा यहाँ पे 3 फार्मासिस्ट कम से कम होने चाहिए यहाँ पे 1 फार्मासिस्ट है कम से कम 3 डॉक्टर्स की यहाँ पे ज़रूरत है इस पॉपुलेशन के हिसाब से पेशेंट के लिहाज से 1 ही डॉक्टर है तो मैं यही कहूँगा कि ये हॉस्पिटल जिस नौत की है 1980 का एक एडी है अभी कहने में NTPSC या PSC कागज़ पे लिखा जाता है लेकिन इसके लिहाज से स्टाफ के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये वही पुराना 1980 का ही एडी है